हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ, जो कि आजकल मैं अपने पेशेंट्स देख रहा हूँ जिनको बहुत ज़्यादा फीवर आया हुआ है, बुखार वाली कंडीशन है, खांसी वाली कंडीशन है। तो इस मौसम में जैसे आप जानते हैं कि वायरल फीवर भी चला हुआ है, डेंगू भी चला हुआ है, साथ साथ में कोविड तो ऑलरेडी चला ही हुआ है। अब मेन चीज़ ये है कि वीडियो में क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, अगर आपके अंदर थोड़े से भी सिम्टम्स आते हैं और आपने जो है नॉर्मल ही मेडिसिन ली हुई है, एंटीबायोटिक्स ले ली, पैरासीटामोल ले ली, बट आपको उसमें रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपकी कंडीशन ख़राब होने लगी है, तो पेशेंट इसमें बचते के हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा डर कम लगता है, पता नहीं डर ज़्यादा लगता है, वो अपनी कोविड की जाँच नहीं करवाना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक पेशेंट देखे मैंने, जिनको मैं पिछले 3-4 दिन से मेडिसिन दे रहा हूँ, लेकिन उनको आराम नहीं हो रहा है, उन माता जी को आराम नहीं हो रहा है। एज उनकी होगी लगभग 55+ में। तो उनको मैं बोलता हूँ कि आप जो है अपनी जाके कोविड की जांच करवा लीजिए, तो उसके लिए उन्होंने मना किया कि नहीं, ये जांच नहीं करवाऊँगी, मेरे अंदर कहाँ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, जबकि उनको मुंह से ब्लड भी आया था, ठीक है, उनकी खांसी में ब्लड आने लगा है। तो फिर मैंने उनके लड़के से बोला कि आप जो है फ़ोन पे कि आप जो है इनकी कोविड की जाँच ज़रूर करवाइए। तो मेन चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर अगर लक्षण हैं या नहीं है, या थोड़े बहुत भी हैं, या थोड़ा सा ही सांस फूल रहा है, तो आपको अपनी कोविड की जांच जरूर करवानी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, ऐसा हो सकता है कि उनको कोविड का इन्फेक्शन हो जाए, आपके थ्रू इन्फेक्शन हो जाए, और उनकी कंडीशन बिगड़ सकती है। क्योंकि ये डिपेंड होता है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन उनकी इम्यूनिटी अगर अच्छी नहीं हुई है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी नहीं है, तो बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे, बहुत जो है स्पीड से उनकी कंडीशन ख़राब हो सकती है। जबकि आपको पता होना चाहिए, अगर आपके अंदर थोड़े से भी सिम्टम आए हैं और आप किसी कोविड वाले एरिया में या किसी फ्रेंड सर्किल में आप ऐसे गए, तो आपको अपनी जांच जरूर करवानी चाहिए थोड़े से सिम्टम्स में ही। इसमें आपका भी फायदा होगा, जिससे आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें। क्योंकि जो कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड का मीन्स है कि कोविड का इन्फेक्शन हुआ, जो कोविड का वायरस है आपके शरीर के अंदर आया, तो उसको सिम्टम्स देने के लिए 5 से 6 दिन भी लगते हैं और 14 दिन भी लगते हैं। इसी कंडीशन को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि पेशेंट की इम्यूनिटी कैसी है, कि सामने वाला जो बंदा जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसकी इम्यूनिटी पावर कैसी है। उसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है तो उसके अंदर तुरंत से सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, 2 से 3 दिन में उसकी हालत कंडीशन जो है ख़राब हो जाएगी। कुछ पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आके जो है वो पेशेंट ठीक भी हो जाएंगे और उनको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर उनकी वजह से किसी कमज़ोर बंदे को इन्फेक्शन हो जाए, घर में किसी छोटे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए, किसी बूढ़े व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाए, तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो आपके अंदर थोड़े बहुत भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपनी कोविड की जांच करवा लीजिए। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, इससे आपकी फैमिली का भी बेनिफिट है, आपके फ्रेंड्स का भी बेनिफिट है, और आपका सबसे बड़ा आपका फ़ायदा है, जिससे कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें और आप जो है अच्छी अच्छी मेडिसिन खा सकें और सारी प्रिकॉशंस जो है आप इसमें ले सकें। तो थोड़े से सिम्टम्स आने पे भी आपको अपनी कोविड की जांच करवा लेनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।